स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो चलिए आज के वीडियो में एक बहुत ही बड़ा वैकेंसी लेकर आए हैं और सिर्फ इसमें चाहिए आठवीं पास। अगर आप आठवीं पास है तो ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आठवीं पास के लिए मौका बहुत कम मिलता है। अभी का दौर में कंपटीशन इतना हाई लेवल तक पहुंच गया है कि आदमी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी बेरोज़गार भटक रहे हैं। तो अगर आठवीं पास के लिए कोई वैकेंसी निकल रहा है और अगर आप किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाएँ, आठवीं तक कर पाएँ या मेट्रिक तक कर पाए, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसीलिए इसको गंवाएं नहीं और एकदम सीधा भर्ती है। इसमें किसी प्रकार का कोई बहुत कठिन वाला एग्ज़ाम नहीं है, सीधा भर्ती। बस फिजिकल निकालना है, आपका मेडिकल होगा और थोड़ा बहुत वह सूरती लेख जो पहले ज़माना में एग्ज़ाम होता था, उस तरह का उम्मीद है इसमें एग्ज़ाम होगा और आपका बहाली हो जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कितना सीट है, कब से शुरू होगा और पूरा जानकारी के लिए, ठीक है। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है पूरे झारखंड वासियों के लिए है, जिसका भी उम्र 18 से 35 साल के बीच है। तो एज का भी अच्छा खासा है, 18 से 35 साल, तो अच्छा खासा इसमें छूट है, है ना। और ये क्या चीज़ का एग्ज़ाम है, तो ये है झारखंड होमगार्ड का, ठीक है। तो होमगार्ड का ये वैकेंसी है और कितना पद है, देखिए अभी पद क्लियर नहीं किया गया, लेकिन 2 से 3 दिन के अंदर इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, उसमें पूरा डिटेल आ जाएगा कितना पद। लेकिन उम्मीद किया जा रहा है 3 से 4 हज़ार सीट है, जो कि कम नहीं होता है। उत्पाद सिपाही में आप देख रहे हैं मात्र 500 सीट में कितने लोग अपना जान गंवा दिए। तो अगर इसमें 3 हज़ार सीट भी रहता है तो बहुत ज़्यादा सीट है। अगर आप आठवीं पास है, मेट्रिक पास है, तो ज़रूर से ज़रूर इसको अप्लाई कीजिएगा। पूरा डिटेल आपको समझाते हैं। देखिए, इसके लिए पोस्ट क्या है तो समझ में आ गया होगा, झारखंड होमगार्ड का। अब होमगार्ड समझ के मत सोचिए कि इसमें बहुत कम, देखो तनख्वाह भी अभी इस बार देखो बढ़ गया है उन लोग का, है ना। तो झारखंड पुलिस जैसा लगभग कर दिया है, थोड़ा सा ही कम है, है ना। 16,000, 20,000, 25,000 इस तरह से है। मिनिमम एज की बात करें तो 18 से 35 साल है, 18 से 35 के बीच अगर है, और वो भी अगर एसटी है तो आपको 5 साल का और छूट मिल जाएगा। एससी एसटी को यानी 40 साल वाला भी भर सकता है, ओबीसी है तो 3 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसका बात करें तो इसमें क्या प्रोसेस क्या होगा, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी फिजिकल एग्ज़ाम होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर फिजिकल होगा। फिजिकल मतलब कि वही दौड़ होगा, ठीक है। अब कितना दौड़ रहेगा वो अभी नहीं दिया है, है ना। नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो हो जाए। पे स्केल की बात करें तो 12,000 से 16,500 इस तरह से कुछ रहेगा। एजुकेशन की बात करें तो मात्र और मात्र चाहिए आठवीं पास, यानी आठवीं पास है या आठवीं तो दसवीं है, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर मौका है। और उसके बाद तो जो भी इंटर ग्रेजुएशन वो भी भर सकता है, लेकिन न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है मात्र आठवीं पास रखा गया है। इसलिए ये मौका को हाथ से नहीं जाने देना है। 2 से 3 दिन के अंदर में इसका फुल नोटिफिकेशन झारखंड पुलिस के वेबसाइट में जारी हो जाएगा। जैसे नोटिफिकेशन आता है आपको हम खबर कर देंगे क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे कैसे भरना। फॉर्म ऑनलाइन ही भराएगा, ठीक है, ऑनलाइन भराएगा। और नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तब क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या पहले जैसा वही सूरती लेख होगा। लेकिन जहाँ तक बातचीत हुआ है अभी तक पता चल रहा है कि सूरती लेख होगा, जो पहले जैसा वैकेंसी होता था वैसा, ठीक है। तो बहुत बड़ा मौका है, हाथ से ना जाने दे। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन जैसे नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपकी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है ऑफिशियल, ठीक है। अभी तो जो बात बोला गया है उस पर हम बता दे रहे हैं, लेकिन जब लिखित आ जाएगा नोटिफिकेशन तो वो फाइनल हो जाएगा कि हाँ इस तरह से इसका वैकेंसी होगा। लेकिन सीट वही 3,000 के लगभग है और योग्यता मात्र आठवीं पास है। इसलिए ज़ोरदार एकदम मेहनत करना है, फिजिकल को आप तैयार कीजिए यानी दौड़ कीजिए, दौड़ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए दौड़ने का, और बस दौड़ निकाल लीजिए तो बाकी सब हो जाएगा। मेडिकली फिट होने चाहिए बस, ठीक है। तो बहुत ही इजीली आपको अगर जो मिल रहा है सिर्फ आठवीं पास के लिए यह वैकेंसी, आठवीं पास की वैकेंसी बार बार नहीं आती है, इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है जो भी आठवीं पास है, दसवीं पास है, वो इस फॉर्म को जरूर भरे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, ताकि आपका दोस्त यार भी इसका हिस्सा बन पाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोई इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर या कोई क्लास लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।